Power Petrol and Elsa. लिविंग होम दीपक नाबाम लिविंग होम यही बोला है। गलत एड्रेस में हम आ गया, सिंकी व्यू में आ गया, वो सिंकी पार्क में बोलाएगा। हेलो दोस्तों, सभी को तहे दिल से नमस्ते और दिल से सलाम। और आज 7 नवंबर है, मेरा बेटी का बर्थडे है और आज का दिन मेरे बेटी इस दुनिया में आया है। और देखिए काम कर करके पूरा गंदा हो गया और ये हम जल्दबाजी में बना रहा है। और हमेशा की तरह उनका बर्थडे में हम मेरा बेटी हम दोनों उसका बर्थडे में जितना एनजीओस हो गया और जैसे कि ओल्ड एज होम हो गया ये सब में उसका बर्थडे का पान से थोड़ा निकाल के कंट्रीब्यूट करता है, चाहे चावल हो या दाल हो या क्लॉथ्स कपड़ा वगैरह हो गया हो, ऐसे चीज़ हो वो सब हम दे सकने से देता है और उसका पान से ही बचा कुचा करके निकल के देता है। तो लास्ट टाइम हम ज्ञान मिशन स्कूल, आप देख सकते हैं इसमें ज्ञान मिशन स्कूल में लास्ट टाइम का बर्थडे में हम गया था देने और जो है कि जोलांग में बर्थडे सेलिब्रेशन का कुछ कुछ केक वेक जैसे कि काटने व ये सब कार्यक्रम तो आप लोग को देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं बर्थडे का स्पॉट में। दोस्त लोग उधर देखो ना, चौथा वाला गाड़ी जा रहा है, कोमेट। ये क्या गाड़ी है ना, इतना चौथा वाला है, नियो जैसे लग रहा है। हाइपा है तो पूरा चमक रहा है पूरा। कल मेरा माँ को कैथरेट का ऑपरेशन किया है, राइट वाला को, लेफ्ट वाला को भी करना बचा है। तो कल के आज खुलेगा, कल भैया लोग लेके आए थे तो आज भैया का दीदी है, वो दीदी चला गया। तो अभी हम लोग का 8-9 बजे तक तो हो जाएगा। इसका सिर्फ पट्टी को खोलना है, आपका पट्टी को ऑल एज होम सिंकी व्यू में बोला है, इसलिए हम अभी दुबले जा रहे हैं सिंकी व्यू। सामान को तो ले लिया, पीछे डिक्की में है और जैसे मिलेगा उन लोग को हैंड ओवर कर देगा। नहीं थोड़ा खराब है लेकिन यहाँ से भी सिंकी व्यू निकलता है, सिंकी पार्क। ये डिवीजन 4 है इंद्रानगर का लिविंग होम, दीपक नाबाम लिविंग होम यही बोला है। इसको हम बहुत ढूंढा है और फाइनली हम मिल गया। ये वहाँ से हम चला गया था, उधर चला गया था ये सिंकी व्यू में, फिर वहाँ से इधर घूम के आके ये मिल गया। ये दीपक नाबाम ये लिविंग होम, यहाँ में अभी मेरा सामान को जाके हम दे के आया है और अभी निकल रहा है यहाँ से। और यहाँ से जाने से उधर अंदर में मेन गेट है, मेन गेट के अंदर घुसने से वो वहाँ में केयर टेकर लोग है और जो लोग उधर रह रहा है वो लोग है। तो मेरा काम हो गया तो अभी हम निकलेगा। यहाँ में देखिए दीपक नाबाम का, यहाँ में आप देख सकता है, यहाँ में आपका फ़ोन नंबर भी पूरा दिया हुआ है। और जो लोग डोनेशन ये सब करना चाहता है कृपया कीजिए, यहाँ कांटेक्ट करके आप एनजीओस वगैरह को साथ देना है। ये बर्थडे मालिक तो क्या कर रहा है, अमीन कर रहा है, मामा का बना ला नाखो, गेस्ट लोग को खाने देंगे, आप तो आज आदमी को खिलाना है ना, आप खुद कर रहा है। ये देखिए ये बार का बर्थडे डिजाइन जो थोड़ा अलग है, मालिक से सेटिंग किया है, सेटअप लगाया है और इसको सेटिंग करने वाला वो मेरा पड़ोसी है, नीचे चला गया, बाद में आएगा हम बने। और ये देखो तुम बनाए हैं क्या, हम बने। ये याकिन का मामा मौसी, घर बहुत छोटा है देखो इसलिए एडजस्ट किए। रेंट पता ही है आप लोगों को, रेंट में तो सब कुछ अवेलेबल नहीं होता है, जैसे एडजस्ट करके चलना पड़ता है। बार सोपा लोग को बाहर निकल दिया और यहाँ एक सोफा रखा है और यहाँ आने वाला गेस्ट लोग को कोई नहीं, हमें अपना फैमिली है, फैमिली है। ये देखो आज का शेप 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 लुक, आज का स्पेशल ये हांगकांग से हम मंगा के लेके आए, हांगकांग से आया है।
तो आज गेस्ट आने लोग भी कुछ अलग खाने मिलेगा। ये हांगकांग से आए सब लोग, सेटअप कैसे बना। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। बाद में बर्थडे प्रोग्राम को देखाएगा, कुछ तो बात करने का ही नहीं है, बात करने के लिए नहीं है आज तो। लेकिन थक गया आज, बहुत रग रहा है। ठीक है ना, बार बार तो ऐसे दिन आता नहीं है, पर ये तो आज का दिन बहुत स्पेशल है मेरे लिए। तो बेटी का बर्थडे है, बर्थडे है। करो अंदर को थोड़ा खिलाओ, कोई नहीं, अपना फैमिली लोग है, सब अपना फैमिली। रूम के अंदर भी है अभी सब केक को एंजॉय कर रहे हैं, याकिन का केक, बर्थडे केक। तो मेरा भी आ गया बर्थडे केक। नहीं नहीं वहाँ पे जाएगा, मेरा पिताजी वाइन पी रहे हैं, वाइन। इसका ब्रांड है पिताजी का, देखो पिताजी का बिनो फोटो ब्रांड। मेरा माँ और दीदी खाली हो गया। तो बोरा दीदी तो सेरन में है नहीं, और इधर भी एक ग्रुप है, और बीच में मेरे भाभी, उस तरफ मेरा नहीं, मेरा मुसी, और ये बेटी, अरे भैया ये वाला रूम है केक सबका। ये हीरो कुछ मेरा चैनल में बोल सकता है? नहीं नहीं कुछ नहीं है उसको। आप कैसे कैसे वो कर पाता उसको तरह बताओ ना। नहीं वो सब नहीं, हंटिंग एक्सपीरियंस को तरह बताओ ना आपका हंटिंग। नहीं तो मालूम नहीं है। नहीं नहीं और अभी बाहर को फोकस करेगा, बाहर को कुछ बोल सकता है मेरा चैनल में कुछ आप लोगों को। बहुत मजा है याकिम का बर्थडे। ये 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 आदमी को तो आप वहाँ से मंगाया है, ये क्या बोलते हैं टाइलेंड से, तो सब एक बहुत अच्छा है। इसको केनिया से, थोड़ा सा रंग बिरंग थोड़ा कम है, इसे केनिया से काम खुला है। और ये तो एकदम हमारा, हमको तो सब पहचान के हीरो है, मेरा गचन बस्ती का हीरो है। ऐसा से दिखाई नहीं, ऐसा नहीं बन जाएगा, हाँ ऐसा। वो मेरा दीदी का पर्स देता, अच्छा से दिखाई नहीं, टोर्स का टोर्स मारना पड़ेगा। अब लो टॉर्च मार दो, ये ऐसा नहीं दिखाई, हाँ ये देखा आप में लग रहे बोल। हेलो हाय कैसे, हैप्पी बर्थडे जंकी मैम को, भजन को। और ये मेरा साला जी, देखो गामबुरा है, गामबुरा है बस्ती का, देखो कम दिखे। हाँ ये लाल कोट है, स्पेशल नहीं दिखना है। आप बस्ती में गलती करेगा तो 500 रुपये का जुर्माना ले कर सकते हैं। आज का हम लोग का बर्थडे जो है सेलिब्रेशन सक्सेस हुआ है, और बहुत ही आज का दिन खुशकोस रहा, क्योंकि माँ को भी मेडिकल ले जाना है और इधर उधर मैनेजमेंट करना है, तो बहुत मतलब आज का शेड्यूल बहुत ही हेक्टिक था। बर्थडे सेलिब्रेशन बहुत ही सक्सेस हुआ है, और बहुत ही सफलता के साथ हम लोग आज का बर्थडे को सेलिब्रेट किया है। और ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये
बर्थडे का अभी हम लास्टली बता दे रहे हैं, बर्थडे का ये जो डिजाइन जो बनाया है कि बर्थडे का, तो इसका आर्किटेक्ट डिजाइनर यहाँ बैठा हुआ है मेरा पड़ोसी मिस्टर ताकुम तकी और उनका वाइफ धर्म पत्नी। ये तो हम लोग का अपना बेटी जैसे है, यूनदी है, यूगी है, इनका वाइफ है, धर्म पत्नी है और मेरा भाभी और मेरा बेटी। भाभी हाय कर दो। क्या खा रहा है भाभी? खाना खा रहा है ना। और मेरा बेटी ये लोग लास्ट थोड़ा लास्ट लास्ट में है, इसलिए लास्ट आने वाला लास्ट रह गया, ऐसे हो गया। और बड़ा भाई कुछ मेरे चैनल में आप बोलेगा क्या थोड़ा इतना खा रहा है कि मुंह से ना बात करने के लिए सब्जी नहीं निकल रहा है। हाय हेलो दर्शकों, आप लोग को मेरा तरफ से ना बहुत बहुत शुभकामना के साथ। हमारे बेटी है हमारा छोटा भाई का बच्चा का बर्थडे में हम उपस्थित हुआ है, क्योंकि हर साल में हम उपस्थित होता है, इसलिए हम अभी दूसरा कुछ नहीं बोलेगा। हमारा यह रिश्ता नाता सब लोग आया है और कोई कोई लोग आके भी चला गया, हम भी देर से आए हैं, लेकिन हम बहुत खुशी हूँ। छोटा भाई हमें हमेशा याद करते हैं, उसका बच्चा को भी हम हमेशा आशीर्वाद देते हैं। तो इस उपस्थिति में हम बहुत अपना को गर्व महसूस कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। इसलिए हम हमारा बेटी को हम कुछ तो बोल नहीं सकता है, कुछ दे भी नहीं सकता है, लेकिन हमारा दिल का प्रेम को हम बांटना चाहता हूँ, उसका मैसेज देता हूँ, उसका ज़िंदगी में सदा सुखी रहे और कामयाब रहे, और जिससे भी उसका दोस्ती हो, जहाँ भी हो, पढ़ाई लिखाई हो, सब में आगे बढ़े और दोस्तों का साथ उसका छत्र छाया में सुखी जीवन बिताए और कोई तकलीफ उसका जीवन में ना हो। दिस इज माय ब्लेसिंग ओनली दैट माय ओनली दिस डॉटर जो हमको उसका बर्थडे के लिए उपस्थित हुआ है, उसको हम ब्लेसिंग करता है ऑल माइटी गॉड दोनी पोलो भगवान सब उसको पाते का तरफ से हमारा फैमिली ब्रदर है, लेकिन पाते का तरफ से मेरा बेटी को बड़ा चाचा है हम आशीर्वाद देता है। और हम तो हमेशा आता है, लेकिन आज हमको थोड़ा देरी हो गया, इसलिए हम बहुत दुख लग रहे हैं, फिर भी हम आ गया तो हम बहुत खुशी लग रहे हैं। इसलिए परमेश्वर का तरफ से मैं प्रार्थना करता हूँ परिवार को शांति दे और आशीष दे। थैंक यू सो मच। और बड़ा भाई का आना ये मतलब एक्चुअली यहाँ प्रेजेंट करना ही बहुत बड़ा होता है। बड़ा भाई किसलिए बोलता है? बड़ा भाई तो हम लोग आदि में भी एक कहावत है, तकर काचो ने काचो न पीर बोलता है। तो जो स्टार को पहले देखता है दुनिया में आता है, पहले आता है, तो उसका एक पहला एक हकदार होता है, तो उसका कर्तव्य होता है कि मतलब चौथे लोग को आशीर्वाद देना। तो बड़ा भाई का यहाँ आके आशीर्वाद देना ही हमारा लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है और इनका बेटी याकिम के लिए भी बहुत बड़ा गिफ्ट है। और आज का कार्यक्रम तो अभी ख़त्म हो गया, ये लोग भी खाना खा के ख़त्म ही हो गया। और नहीं ये मतलब लास्ट रह गया वाला लास्ट रहने वाले लोग जो आगे आए वो तो आगे चला गया ना, और ये लोग भी अभी खाना खाने का बाद अपना अपना घर ये लोग भी चले जाएगा। तो एक टाइम तो बहुत अच्छा लगा था, इतना पूर्ति सब घर में एकदम भीड़, हर दिन घर ऐसे होने से टीके सकता है, लेकिन क्या करेगा, हर आदमी का अपना अपना दिनचर्या होता है ना, अपना अपना एक लाइफ फैमिली है, अपना लाइफ है, तो उसके लिए मैनेजमेंट लाइवलीहुड मैनेजमेंट ये सब बहुत करना होता है, तो नहीं रह पाता। सोचता तो ऐसे है हम लोग हर वक्त ऐसे पार्टी करके एक साथ बैठते रहेगा ओके। ये तो अभी कोचिंग उधर चला जाएगा आमिर खान और ये ऋतिक रोशन तो उधर इसका नीति बिहार चला जाएगा, ये अभाई भी जाएगा, ये गामपुरा तो ये के सु का गामपुरा है, और ये तो भूगुम का वो है, ये क्या बोलेगा आप, भूगुम का ये है हीरो, भूगुम हीरो है मेरा बेटा, भूगुम राजा है। तो ठीक है दोस्तों, आप सब तो रखते हैं, सबको मिलता है मेरा नेक्स्ट ब्लॉग में।
तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अच्छा से देखना सब लोग।